अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं पेरी पेरी चिकन, जो बहुत ही मज़ेदार और चटपटा सा बनता है और इसको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती है, बहुत ही आसानी से बन जाता है। तो आप हमारा पूरा वीडियो देखिए और हमारी तरह से बनाइए। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं ये कैसे बनेगा और क्या क्या डाला है इसमें। पेरी पेरी बनाने के लिए लिया हमने 1 किलो चिकन, लेग के पीस लिए हैं हमने ये, और इसमें हमने कट भी लगा लिया है इस टाइप से। अब इसका हम मसाला दिखाते हैं आपको। इसका पेस्ट बनाएंगे हम। ये 1 मुट्ठी धनिया है, हरा धनिया लिया हमने, और ये 10 हमने लिए हैं लाल मिर्च, और 1 नींबू का रस, और ये 15 से 20 लहसुन के टुकड़े, और ये 1.5 इंच का अदरक का टुकड़ा, और 2 मीडियम प्याज, और ये वाली लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च होती है जो, ये 3 हमने ली है। अगर आपको ये नहीं मिलती है तो आप इसको ना डालें। अब हम पेस्ट बनाने के लिए 1 जार लेंगे मिक्सी का, और ये इसमें हम प्याज डाल देंगे जो हमने आपको दिखाए थे। इसी में हम लहसुन डाल देंगे, ये अदरक, और ये लाल मिर्च, और ये मिर्च थी जो रेड बड़ी वाली, इसके भी हमने टुकड़े कर लिए मोटे मोटे। इसी में डाल देंगे हम हरा धनिया। इसी में डाल देंगे हम 1 नींबू का रस। इसी में हम डाल देंगे 2 टीस्पून नमक। 1 टेबल स्पून डाल देंगे हम ओरिगैनो। अगर ओरिगैनो नहीं है तो आप धनिया पत्ती से ही काम चला लें। 1 टीस्पून डालेंगे पेपरिका पाउडर, ये भी एक तरह की मिर्च होती है। 2 टीस्पून डाल देंगे शक्कर। 1 टेबल स्पून डाल देंगे विनेगर। इसी में डालेंगे 1/2 कप तेल। इसी में हम डाल देंगे तेज पत्ते। अब इसका हम पेस्ट बना देंगे। पेस्ट तैयार हो गया है। अब ये सारे चिकन के पीस में हम इसको मिला लेंगे। इसी टाइप से आप सारे पीस मिला लें नीचे ऊपर करके। सारे पीस मिल गए हैं अच्छे से। इसी में रख देंगे हम 1 कटोरी। ये कोयला रख दिया हमने जलता हुआ। इसी में डाल देंगे तेल ऊपर से थोड़ा सा। इसको ढक देंगे 1 से 2 घंटे के लिए। इसको छोड़ देंगे। चिकन हमारा मैरिनेट हो चुका है। खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अब इसको हम ग्रिल पैन में ग्रिल करेंगे। पैन गरम हो गया है, इसमें हम हल्का हल्का सा ऑयल लगा देंगे तेल, क्योंकि उसमें भी हमारे जो हमने पेस्ट बनाया था उसमें भी तेल हमने डाला था। पीस रख देंगे। अब 10 मिनट करीब इसको हम बिल्कुल लो फ्लेम में इसको सिकने देंगे। ऊपर से भी हल्का हल्का ऑयल लगा देंगे। अब इसको पलट देंगे। इसको चारों तरफ से पलट पलट के अपने तरीके से आप इसको सेक लें, ताकि अंदर तक ये अच्छे से पक जाए। अभी इसको 10 मिनट और सेकना है पलट पलट के। ये तैयार हो गया हमारा पेरी पेरी चिकन। तो आप बताइए आपको कैसी लगी हमारी वीडियो, और ये चिकन पेरी पेरी आपको कैसा लगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो अपनी फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर करिए, और हमें लाइक करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम मिलते हैं आपको किसी अच्छी सी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।